हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की। हमारी सीरीज चल रही है 800 एमसीक्यूज की। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमने अभी तक कितने लगभग 600 लगभग नहीं टोटल 651 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। टोटल 800 एमसीक्यूज की ये सीरीज है जो कि स्पीडी बुक के एंड में दी गई है। ठीक है, आज हम बात करेंगे 652 और उसके आगे के एमसीक्यूज के। ठीक है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकेगा वो हम गेन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो वन पेजर्स है, जो वन लाइनर्स है, ये सब हमारा पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो जा करके उसको देख लीजिए, उन वीडियोज को भी चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, पूरे साल का आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जान लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे आपको हमारे कोर्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है। बीपीएससी का आपको कोर्स मिल जाएगा, क्रैश कोर्स प्लस फाउंडेशन, दोनों आप जो भी चाहते हैं। उसके अलावा एचपीएससी, यूकेपीएससी, घटना चक्र और बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। सबका हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इन कोर्सेज के अंडर में वो लिखा है हमने। उसके अलावा सबका प्राइस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें बेशक क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कुछ भी, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, 9582062485 या फिर 9598875847। तो ये हमारे नंबर्स हैं। चलिए और कुछ कोर्सेज है उसको भी देख लेते हैं। तो ये टोटल कोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज के वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड स्वास एंड अरोग लोन स्कीम फॉर एमएसएमई। यानी कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एमएसएमई के लिए, मीडियम स्मॉल स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए क्या किया है, लॉन्च किया है दो योजनाएं, दो स्कीम्स लॉन्च की है। एक तो स्वास है, श्वास, और दूसरा आरोग। तो ये किया है सिडबी ने। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये बैंक है। तो इसने इन एमएसएमई के लिए ये दो क्या किया है, दो स्कीम्स लॉन्च की हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टू टैकल द ऑक्सीजन क्राइसिस। देखिए कोविड 19 के टाइम में ऑक्सीजन क्राइसिस कितना ज़्यादा हुआ था, ये हम सब ने विटनेस किया था। तो ऑक्सीजन के समस्या से निजात पाने के लिए रिसाइकलिंग सिस्टम क्या किया गया है, डेवलप किया है, स्टार्ट किया है, इनमें से किसने स्टार्ट किया है। तो इनमें से इंडियन नेवी ने ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट अवार्ड ऑफ अफ्रीका, इब्राहिम प्राइज। अफ्रीका का हाइएस्ट ये अवार्ड है, नाम है इब्राहिम प्राइज। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो नाइजर के प्रेसिडेंट को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाइजर की बात करें तो नाइजर एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि इसके चारों दिशाओं में ना सिर्फ आपको समुद्र देखने को नहीं मिलता है, पानी देखने को नहीं मिलता है, तो इसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। उसके अलावा बात करें तो नाइजर की कैपिटल है भाई नियामे। कैपिटल क्या है नाइजर की, नियामे, NIAMEY, नियामे। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बजूम। क्या है, मोहम्मद बजूम, BAZOUM। ठीक है, तो मोहम्मद बजूम यहाँ के प्रेसिडेंट है और इन्हें ही सम्मानित किया गया है इब्राहिम प्राइज से। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2016 to 20। 2016 से लेकर 2020 के बीच में पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आर्म्स, हथियार को किसने एक्सपोर्ट किया है, तो ये किया है USA ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द COVID-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स रिलीज बाय द लेवी इंस्टीट्यूट। लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया कि कोविड 19 के प्रति किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा था, कितना ज़्यादा एक्शन लिया गया था किस कंट्री के द्वारा, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक आया है 86th। ठीक है, ये तो पता चल गया कि भाई 86th पोजीशन पे हमारी कंट्री इंडिया रही थी। तो टॉप किसने किया था, किसने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाया था, क्विक एक्शन लिया था इस पे, तो न्यूजीलैंड ने, वियतनाम ने और ताइवान, इन तीनों ने साझा रूप से मतलब टॉप जो पोजीशन है उसको शेयर किया है। कौन कौन से कंट्री, न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन पॉलिटिशियन वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। किस इंडियन पॉलिटिशियन को अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया है ग्लोबल एनर्जी
एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड के लिए, एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भाई नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ये सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, यानी कि ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है द लिमिट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 49% टू हाउ मच। FDI किस सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में FDI को बढ़ा दिया गया भाई? पहले ये लिमिट 49% थी, यानी कि फॉरेन कंपनी यहाँ पे आके इंश्योरेंस के सेक्टर में 49% तक अपना शेयर खरीद सकती थी, आई मीन हिस्सेदारी ले सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया और 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2020-2021। इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2020-21 में, इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम था सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स, नॉट लवलीहुड्स, सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स, LIVELIHOODS, लिवलीहुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण 2021। 2021 के लिए पद्म अवार्ड्स अनाउंस किया गया था, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अवे, इनको, इनके लिए भाई पद्म विभूषण का सम्मान डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव अ फ्री कोविड वैक्सीन अंडर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोवैक्स स्कीम। WHO का एक स्कीम था कोवैक्स स्कीम, इसके तहत किस कंट्री को फ्री में वैक्सीन्स मिले हैं? तो ये कंट्री घाना बन गई है पहली कंट्री जिसको फ्री में वैक्सीन्स मिले हैं इसके नागरिकों को लगाने के लिए। नेक्स्ट है रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ द कंट्री, कंट्री की, देश की, इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन बन गई है? ये बन गई है आयशा अजीज। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज्ड 16-डिजिट यूनिकोड टू रिड्यूस लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। देखिए लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, जमीन वाले विवादों को से निपटारा पाने के लिए एक 16-डिजिट का क्या किया गया, यूनिकोड रिलीज किया गया है। जिस तरीके से भाई आप हमारे पास आधार कार्ड के लिए यूनिक कोड होता है ना, पैन के लिए यूनिक कोड होता है, तो जमीन जिसके नाम पे है ना उसके लिए भी यूनिक कोड ये लॉन्च कर दिया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है? ताकि जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, विवाद है, उनसे निजात पाया जा सके। तो ऐसा करने वाला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। विथ द एम ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच कंट्री रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फॉरेनर्स हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए किस कंट्री ने अपने न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी लाई है ना? तो ये लाया है कतर ने, नया सिटीजनशिप पॉलिसी लेकर आए हैं। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता? वेट 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 माफ़ करिएगा, ये कतर नहीं होगा, यहाँ पे ये मैंने गलती से कतर बोल दिया, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE ने ये नया सिटीजनशिप लेकर आया भाई पॉलिसी। ठीक है, तो माफ़ करिएगा इसके लिए। और ये जहाँ तक ये बात है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये तमिलनाडु ने जीता इस बार। वेयर विल द सेकेंड स्पोर्ट्स इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा इसका हम कह सकते हैं कि एडिशन स्पोर्ट्स इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा या किया जा चुका है, ये थोड़ा पुराना है इसलिए जाएगा हम बोल रहे हैं, तो ये भाई कर्नाटका में किया जाएगा। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट मेट्रो सर्विस इन इंडिया टू सैनिटाइज मेट्रो कोचेज विद अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से डिसइनफेक्ट करने वाला सबसे पहला, मतलब मेट्रो के कोचेज को डिसइनफेक्ट करने वाला मेट्रो कौन बन गया है? तो ये बन गया है लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड अनाउंसमेंट इन विच स्टेट फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड, फूलों के उत्पादन के लिए प्रोसेसिंग सेंटर कौन से स्टेट में भाई इस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कर्नाटका में। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स विल बी इस्टैब्लिश्ड, वेटलैंड्स यानी कि जो
वेटलैंड साइड्स है ना, मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पे पानी होता है, ज़मीन होता है, लाइक झील वेटलैंड साइड्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड साइड्स के कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, देखिए वेटलैंड जो होते हैं ना वो एक तरीके से इको सिस्टम क्रिएट करते हैं, किनके लिए, कि इकोलॉजी क्रिएट करते हैं अलग अलग हर्ब्स के लिए, अलग अलग जूलॉजिकल चीज़ों के लिए, है ना, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, तो इसीलिए इनको संरक्षित करना ज़रूरी है। तो इसके लिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया है, कौन से जगह पे किया गया है, तो ये किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट है, फॉर विच सेक्टर द मित्रा स्कीम हैज बीन स्टार्टेड, किस सेक्टर में मित्रा मित्र या मित्र मित्रा स्कीम स्कीम स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया है टेक्सटाइल सेक्टर में। विच कंपनी आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी कोई कंपनी अपना शेयर पहली बार बाजार में उतारती है बेचने के लिए, ऑफर करती है पब्लिक को कि भाई खरीदो मेरा हमारा शेयर, इसको आईपीओ कहते हैं, फर्स्ट टाइम जब ये शेयर इशू करेगी मार्केट में, तो किसने इशू किया है सबसे पहली बार, तो हमें पता है LIC ने पहली बार आईपीओ अपना जारी कर दिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर 520 MW तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट इज डैमेज ड्यू टू ग्लेशियर ब्रेक इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट गया जिसकी वजह से तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो चल रहा था 520 MW का, ये तबाह हो गया है। तो किस नदी पे ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ये प्रोजेक्ट चल रहा था धौली गंगा नदी पे। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जापान विच इज़ नेम्ड, जापान ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना के तैयार कर लिया है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, इसका नाम इन्होंने दिया है फुगाकू। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन इनिशिएटिव टू टैकल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, इससे टैकल करने के लिए एक कंट्री ने ग्रीन किस कंट्री ने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है, तो ये किया है सऊदी अरेबिया ने। विच स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, किस स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप, जिसका नाम इन्होंने दिया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ऐसा करने वाला वो स्पेस सेंटर बन गया है, कहाँ का, नासा बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक गोल्डन कार्ड अंडर आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का ऐलान किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इन विच स्टेट वॉज द 11th नेशनल कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा किस स्टेट में 11वां नेशनल कल्चर फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, तो ये मनाया गया है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट नेक्स्ट है, विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये सबसे ज्यादा रन है, तो फीमेल कौन सी, वो फीमेल क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में बन गए भाई कि जिन्होंने पहली बार 10,000 रन बनाए भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ऑब्वियसली ये मिथाली राज इसका आंसर होगा, ठीक है, मिथाली राज बन गई। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी स्टूड फर्स्ट इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी पहले पोजिशन पे आया है, तो ये आया है जम्मू एंड कश्मीर। इन विच स्टेट जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन वॉज स्टार्टेड, वाटर कंजर्वेशन कंजर्वेशन कैंपेन चल रहा है पानी बचाने के लिए, जिसका नाम है क्या, जलाभिषेकम, तो किस स्टेट ने इसको शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ होशंगाबाद सिटी टू वॉट, होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या करने का ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, तो ये किया गया है नर्मदा पुरम, नर्मदा पुरम। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड, यानी कि इस आइलैंड पे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना, मतलब ऊर्जा प्रोड्यूस की जाएगी, तो किस कंट्री ने पहला एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा की है, तो ये किया है डेनमार्क ने। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 की वजह से 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दिया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है, तो ऐसा किया है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित टूरिज्म सेक्टर ही हुआ था, इसलिए इन्होंने वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इसे घोषित किया है।
विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्लांट बाई 2030। 2030 तक हवा के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा प्लांट ये लगा लेंगे वर्ल्ड का, ऐसा किस कंट्री ने दावा किया है? तो ऐसा दावा करने वाली कंट्री है साउथ कोरिया। नेक्स्ट है कोविड फतेह कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली। फतेह का मतलब होता है जीत हासिल करना, तो कोविड पे जीत हासिल करने वाला कैंपेन यानी कि कोविड फतेह हासिल कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ऐसा लॉन्च किया है पंजाब की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड हैज टाइड अप विद विच स्पेस एजेंसी अंडर द स्टार लिंक प्रोजेक्ट। स्टार लिंक प्रोजेक्ट किसका है भाई? ऐसा हम बहुत बार देखा हुआ है, तो ये है स्पेस एक्स का, जिसके वजह से वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो गूगल क्लाउड ने अभी इसके साथ क्या किया है, टाई अप किया है, तो स्पेस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, बुरा लगता है। और शेयर करेंगे जिस भी जहाँ पे भी कर सकते हैं, कर दो यार। हम तो थक गया हूँ बोल बोल के, और इतना पसीना आ रहा है इतनी गर्मी में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे, नए हैं तो। और बाकी जो कोर्सेज मैंने बताया उसको लेना है तो ले लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जुड़ जाइए अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है प्रेप PREPNAGRI.com, तो जाकर के इसको विजिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।